हेलो एंड वेलकम टू टूडेज डेली न्यूज एनालिसिस आज बीस फरवरी है 2022 हम हिंदू न्यूज़पेपर के डेली एडिशन को कवर कर रहे हैं नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन लेट मी टेल यू हमारा एक फाउंडेशन कोर्स आया है बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन दैट विल बी वेरी हेल्पफुल यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा क्वेरी फॉर्म भी है इफ यू आर इंटरेस्टेड आर टीम विल कॉन्टैक्ट यू नाउ कमिंग टू द हेडलाइंस तो सबसे पहले आज हमारे पास ये अफ़गान हिंदूज़ के बारे में बात हो रही है अफगान हिंदूज एंड सिक्स बेसिकली माइग्रेंट्स uh, जो माइनॉरिटीज है इन अफगानिस्तान सो दे बिंग एबल टू गेट सिटीजनशिप ठीक है तो उसके बारे में थोड़ा सा दिख लेंगे यहाँ पे आई हैव मोर अपडेट सो so, रशिया स्टार्ट न्यूक्लियर डील एक नया एक्सेस uh, एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ विद रेफरेंस टू ये जो अगर टेंशन होती है तो इससे और क्या रिपोक्शन हो सकती है और रशिया चाइना एक्सेस के बारे में भी बात करी थी तो मैंने वो सारी न्यूज़ जो है इसको मर्ज कर दूंगा ओके okay, दोबारा से वही रूल ऑफ गवर्नर ठीक है तो इसको एक ब्रीफली इसको कवर अप कर लेंगे क्या हुआ है वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में केरला के भी रेफरेंस में था अबाउट द द इशूज विद द गवर्नर बेसिकली एक मीनस का एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है जस्ट फॉर अ कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक गवर्नमेंट एक्ट थी अबाउट अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश के रेफरेंस में जैसे जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं अभी प्रिलिम्स का माहौल हो रखा है ठीक है तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या थीम्स हो सकती है पहले कैसे आए हैं वो सब एक बार डिस्कस बता दूंगा ओके देन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर इसके बारे में देखेंगे मेदाकटू पद यात्रा तो मेदा डैम जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे किसान किसान के लिए क्या पॉलिसीज है क्या मेजर्स लिए गए हैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर लेंगे ठीक है तो ये है बाकी हमारा साइंस एंड टेक के रेफरेंस में था तो उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी वेलकम सोम अ टीम ऑफ अफगान सिक्स एंड हिंदूस तो एक तो इलेक्शन होने वाला है ठीक है तो अब वोटिंग शुरू होगी यहाँ पे स्पेशली इन द पंजाब बेल्ट तो एक आउटरीच था भी कह रहे हैं यहाँ पे। पर बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बात हो रही है कि जो अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटीज़ है ठीक है जो हु फेयरड रिलीजियस प्रसिक्यूशन ये तालिबान वगैरह जो है वहाँ पे बहुत कट्टरपंथी है ठीक है लाइक वाइज पाकिस्तान के अंदर भी इश्यूज है हमारे माइग्रेंट्स है हमारे बांग्लादेश के अंदर भी है तो बाकी जगह जो हमारा नेबरहुड है तो स्पेशली मुस्लिम मेजोरिटी तो वहाँ से जो परसिक्यूशन हो रखी है वो हमारे कंट्री में आ सके हु फेयर रिलीजियस प्रसिक्यूशन एंड उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी सो दिस इज़ बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो ये 2019 में आया था ठीक है तो ये है तो जो हमारे कंट्री के अंदर रह रहे हैं लोग अफगानिस्तान से स्पेशली द हिंदूज एंड द सिख पॉपुलेशन टू फेयर प्रोसिक्यूशन तो उनको सिटीजनशिप दी जा रही है उनको इन्वाइट किया गया था रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक है तो ये है बेसिकली यहाँ पे अब बाकी ये एक एट्थ पेज में था हमारा पेज सेवेंथ में था तो यहाँ पे वो एक बेसिक डिमांड रेज करी है कि देखिए हमारे और भी इश्यूज है हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए हमें सिटीजनशिप और आराम से मिलनी चाहिए हमें ई वीज़ा मिलना चाहिए जो हमारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं जिनको आप थोड़ी सी खतरा था जिनकी जान को तो उनको ई वीज़ा मिलना चाहिए आराम से मिलना चाहिए तो यही यहाँ पर बेसिकली बात कर रखी है ठीक है बाकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रेफरेंस में थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था एंड वन ऑफ द रीजंस वाज दैट मुस्लिम्स हुर नॉट इंक्लूडेड ठीक है सिर्फ ये नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया था अंडर द कैटेगरी ऑफ पीपल हु फेस परसिक्यूशन तो मुस्लिम्स भी है जैसे अहमदिया कम्युनिटी और बाकी भी है उनको भी परसिक्यूशन होता है उनको इंक्लूड नहीं किया गया था तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एक आसाम के अंदर एक एनआरसी चल रहा था उसके चलते बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था रशिया न्यूक्लियर डील न्यूक्लियर ड्रिल्स बाइडन से ठीक है तो आई थिंक आप सबको यहां पे पता ही है uh, क्या हो रहा है रशिया के रेफरेंस में देर इज अ अलिट्री बिल्डअप हो रखा है यहां पे तो एक बेलरस का एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी तो लगता है कि यहां नॉर्थ से इन्वेट करेंगे एंड दूसरी चीज़ है कि ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये जो डॉनबास और ये जो सारा रीजन है जो यहाँ का यूक्रेन का वहाँ पे अबाउट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड सोल्जर्स डिप्लॉयड है अब यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल की एक फोर्सेस है उनकी एक यूनिट है रेजिमेंट्स होती है हमारी भी एक स्ट्रैटेजिक फोर्स रेजिमेंट है ठीक है तो वो भी डिप्लॉय कर दी गई है एंड मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो गई है तो ऐसा लग रहा है इवन इंडिया भी बोल रहा है जर्मनी भी बोल रहा है कि हमारे जो लोग हैं यूक्रेन के अंदर फटाफट बाहर निकले हैं यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि वॉर टाइप की सिचुएशन हो सकती है और न्यूक्लियर वाला एक एक लगता है कि बहुत सीरियस इशू है यहाँ पे अच्छा तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये यह हो रही है टॉक्स का लग नहीं रहा कि कुछ खत्म होगा यहाँ पे मतलब सॉर्ट आउट होंगी प्रॉब्लम्स दूसरी चीज़ है यहाँ पर आप मैप ये जो मैप देखते हो थोड़ा सा रंग बिरंगा सा लग रहा है आपको सो दिस इज बेसिकली अबाउट द रशियन एथनिसिटी जो है यूक्रेन की उसकी बात हो रही है यहाँ पे ठीक है एथनिसिटी तो रशिया के अंदर कौन से पॉपुलेशन है किसकी उनकी जैसे कि यूक्रेनियन पॉपुलेशन यूक्रेन स्पीकिंग पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन तो वो लोग तो यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो इनकी एथनिसिटी रशियंस है उसमें एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि आप अपने बच्चों और वुमेन को वुमेन एंड चिल्ड्रेन को लेके आप रशिया में चले जाइए यहाँ पे तनाव होने वाला है यहाँ पे वॉर टाइप का सिचुएशन होने वाला है तो जब वॉर ऑफ डॉनबास भी हुआ था 2014 के अंदर तो उसको कहते हैं एक हाइब्रिड वॉर तो वहां पे मिलिट्री मिलिट्री भी यूज करी गई थी एज वेल एज एक सिविल अनरेस्ट जनरेट किया गया था तो स्टेट द्वारा एक सिविल अनरेस्ट जनरेट किया गया था तो ऐसे कहते हैं कि लोकल लोग बोल रहे थे पर जैसे हमारे कंट्री में भी होते ना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो हम पाकिस्तान के रेफरेंस में बोलते हैं कि कश्मीरी के रेफरेंस में कर रहे हैं तो वैसे ही तो यहाँ पे ये कर रहे हैं तो एक दे आर क्रिएटिंग अ मूवमेंट अगेंस्ट दी यूक्रेन एंड दे वांट टू सेपरेट एंड मर्ज विद यूक्रेन रशिया ठीक है अब एक और एक चीज़ है जो हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडेन बाइडन उन्होंने तो स्टेटमेंट तो दे दिया है वो अगले पेज में था बाइडेन ने स्टेटमेंट दे दिया है कि रशिया चाहता है कि वो कीव जो है जो यूक्रेन का कैपिटल है उसको वो उठा लेना चाहता है एंड मैंने पिछले एक आधे एनालिसिस में ये भी बोला था कि जो कीव जो है यूक्रेन का कैपिटल इट इज द इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर रशियन कल्चर यू नो रशियन कल्चर ओरिजिनेट हुआ था वो कहते हैं वो यहीं से माइग्रेट हुआ था टूवर्ड्स रशिया तो ऊपर जाके अगर आप इसको एरो को और स्ट्रेच कर लेंगे तो मॉस्को आ जाता है ठीक है तो ये बातें हो रही है अब इसके चलते दो थीम्स है ठीक है आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दिस फर्दर तो एक तो है जो आज के पेपर में ही बताया गया था रशिया चाइना एक्सेस ठीक है तो एक तो ये चीज आ जाती है दूसरी चीज आती है कि क्या बाकी देश जो है जैसे कि चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत सारे चल रहे हैं अभी बात हो रही थी जैसे यूक्रेन की बात हो रही थी वैसे ही कह रहे थे कि हो सकता है कि चाइना ताइवान को अनेक्स कर ले ताइवान वैसे ही चाइना कहता है कि अगर आप चाइना का मैप देखेंगे ठीक है तो ताइवान ईस्ट ये आपका ईस्ट चाइना से हो जाता है और यहाँ पे आपका ताइवान का एक आइलैंड आता है तो ये कहते हैं एक हिस्टोरिकल मिस्टेक है और इसको हमारे देश में वापस आ जाना चाहिए तो ये अनेक्स कर लेंगे बहुत मिलिट्री बिल्डअप हो रखा था डिफेंस एक्सरसाइज चल रही थी इनका जो एयर डिफेंस जोन है एयर आइडेंटिफिकेशन एयर आइडेंटिफिकेशन जोन ए डी जेड जिसे कहते हैं तो इसको भी पार कर रही थी चाइना की एयरफोर्स तो यहाँ पे भी लग रहा था कि ताइवान को अनेक्स कर लेगा ठीक है तो अब ऐसा हो सकता है कि जैसे कि रशिया को अगर ये चेक नहीं कर पाए यूएस नाटो वगैरह इसको अगर चेक नहीं कर पाए तो ऐसा हो सकता है कि चाइना जैसे देश और शायद बाकी और भी देश वो अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ जाए तो इससे ग्लोबली टेंशनस और बढ़ सकती है ग्लोबली इनसिक्योरिटीज बढ़ सकती है ठीक है तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है हु नोस इट मे एक्चुअली एमिनेट इन टू अ वर्ल्ड वॉर टू लाइक सिचुएशन तो वर्ल्ड वॉर थ्री टाइप का हो सकता है अच्छा अब ये रशिया चाइना एक्सेस को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं तो अगर आप एशिया का मैप इमेजिन कीजिए तो ऊपर आपका आता है रशिया ठीक है नीचे आपका आता है चाइना इंडिया को भी डाल देते हैं इंडिया तो हमारा बनता ही है नहीं अच्छा तो रशिया पे सैंक्शन लगा दिए गए थे जब 2014 का वॉर ऑफ डॉनबास हुआ था ठीक है इनफैक्ट अभी भी यूएसए कह रहा है कि जो कमला हैरिस है कि हम और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे सैंक्शंस लगाएंगे रशिया के ऊपर अभी भी मिलिट्री के बारे में मिलिट्री एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही कि हम वॉर करेंगे वो बेसिकली सैंक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी सैंक्शन हो रखा है वो क्या डरेगा इससे चलिए तो इस जब सैंक्शन लगा दिए गए थे 2014 में रशिया की इकोनमी पूरी ब्लॉक हो गई थी रशिया के पैसे इधर उधर जो बाहर पाक्ट थे वो बंद हो गए थे रशिया का एक्सेस टू ऑयल ट्रेड ऑयल बहुत है रशिया के अंदर वो बंद हो गया था तो इस टाइम पे चाइना ने रशिया को ऑफर किया था 36 बिलियन डॉलर ये मैं 2014 की बात कर रहा हूँ 36 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट था ये ठीक है जब ये सैंक्शन हो रखा है तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी था तो रशिया ने एक तरह से एक अग्रीमेंट थी कि रशिया इनको ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगा इनके पास बहुत सारा इनको क्या फर्क पड़ता है पर चाइना एक इज एनर्जी हंग्री कंट्री तो इन अ वे अब ऐसा हो गया है कि रशिया और चाइना की बॉनॉमी एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो होगी यहाँ पे ठीक है और ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है या कुछ भी है तो रशिया चाइना के साथ रहेगा मे बी इट विल ऑल्सो इनेबल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इट्स डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया के अच्छे फाइटर जेट्स या नेवी के डिफेंस टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस्ड है वो इनके साथ शेयर कर देंगे एस फोर हंड्रेड मिसाइल दे दी थी इनको थी ठीक है तो ऐसा हो सकता है एंड दिस विल फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन तो अंडरलाइंग इशू यही है यहां पे अच्छा एंड टू बी ऑनेस्ट जब भी मैं इसको पढ़ता हूं अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ भी कंपेयर करूं इसको तो जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में बॉन्डिंग हो रही थी उस टाइम पे इसी बिल्कुल ऐसे जैसी थी तो यहां पर ऐसा लगता है कि चाइना में भी इन्फ्लुएंसिंग रशिया इन द कोस टू कम इन द टाइम टू कम और ये इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है रो ओवर समनिंग ऑफ़ वेस्ट बंगाल असेंबली इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं फिर हमारा यहां पे क्वेश्चन है ठीक है इसको भी देख लेंगे छोटा सा हां जी तो वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है मैडम ममता बनर्जी तो उन्होंने गवर्नर को बोला कि आप बताइए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन होता है ठीक है लेजिस्लेचर होता है हर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो आप समनिंग का ऑर्डर दिए दीजिए आपने पार्लियामेंट वाला जब चैप्टर पर पढ़ा होगा नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में थोड़ा इग्नोर हो जाता है तो जो प्रेजिड जो लेजिस्लेचर समन होता है जब वो खुलता है तो वो गवर्नर के आदेश पे होता है या प्रेसिडेंट के आदेश पे होता है ठीक है ये चीज़ आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आनी चाहिए इसको हेडलाइन को देख के तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोलता है ठीक है ए द द गवर्नर और द प्रेजिडेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस गिवन टू बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो यहां पे चीफ मिनिस्टर ने बोला गवर्नर कहते हम नहीं करेंगे इसको क्यों क्योंकि ये तो चीफ मिनिस्टर ने बोला है हमें तो आर्टिकल वन 3 बोलता है कि वो हमें कैबिनेट से चाहिए इंस्ट्रक्शंस ठीक है तो कैबिनेट से हमें ये आना चाहिए इट शुड बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट पर ये तो केवल चीफ मिनिस्टर का है कायदे से देखें तो चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एक तरह से कैबिनेट हो गया ठीक है तो ये यहाँ पे इन्होंने एक लीगल उस पर बात कर रहे हैं कि जब तक मेरे को कैबिनेट से नहीं आता मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता तो एक तरह से अब ये वाला भी वो वाला स्टेट है जहाँ पे गवर्नर दूसरे पार्टी के है एंड जो चीफ मिनिस्टर है वो दूसरी पार्टी के एंड एवर सिंस द इलेक्शन ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है अच्छा तो ये वाली बात आ जाती है अब Uh, अब ये केरला का भी एक बार देख लेते केरला का न्यूज था अगले पेज पे तो गवर्नर एलेजेज बिड टू कंट्रोल राजभवन तो राजभवन इज वी आर बेसिकली कंसिडरिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर तो ये जो गवर्नर है ऑब्वियसली वेस्ट अपने बीजेपी पार्टी से एसोसिएटेड है तो उन्होंने बोला था कि मेरे को एक व्यक्ति अपॉइंट करना है एज माई पर्सनल असिस्टेंट एडिशनल पर्सनल असिस्टेंट और वो व्यक्ति बीजेपी से है ठीक है वो व्यक्ति बीजेपी से है तो उनके जो एग्जीक्यूटिव है जो गवर्नमेंट है यहां पे केरला की उनके एक सेक्रेटरी ने लिखा कि देखो गवर्नर को मैसेज किया लेटर लिखा कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि हम एक पॉलिटिकल पर्सन को अपॉइंट करें गवर्नर के ऑफिस में ठीक है तो ये बात हुई तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे कि सेक्रेटरी मेरे को लिख देगा ठीक है मेरे को पता है सेक्रेटरी खुद से नहीं लिख सकता ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर करवाते हैं काम तो सेक्रेटरी को तो आप ऐसे फंसा रहे हो यहाँ पे पर आप जो राजभवन कैसे काम करेगा क्या करेगा आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है तो दिस में लीड इन टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हम जो इशू देख रहे हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स मतलब जो रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है और जो जो यहाँ पे वो नहीं है बेसिकली स्टेट्स के अंदर तो वहाँ पे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं तो वेस्ट बंगाल हो गया केरला हो गया महाराष्ट्र हो गया तमिलनाडु में वो जो नीट का जो बिल है उसको वो पास नहीं कर रहे थे तो वीटो प्रोविजन पे बात हो जाती है तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है अब एक तो आता है कि गवर्नर के नॉन इंटरफेरेंस के बारे में ठीक है सो द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज एसेंशियली एन अ पॉलिटिकल वन कि उनको पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए वो एक नॉमिनल हेड है हेड ऑफ द स्टेट है वहां पे और इनको उनसे न्यूट्रली काम करना चाहिए और ऐसे ही उनका ऑफिस बनाया गया है दैट दे हैव टू वर्क इन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हाँ जी उनको कुछ एडिशनल डिस्क्रिशनरी पावर जरूर दे दी गई है कभी कभी जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे बट बाय एंड लार्ज उनको अपना दिमाग इतना नहीं लगाना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से काम करना है ठीक है आर्टिकल वन लिखा हुआ है इन रिसेंट टाइम द रूल ऑफ गवर्नर हैज कम अंडर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी एंड क्रिटिसिजम डिस्कस अब यहाँ पे आप क्या करेंगे आप बताएंगे कि गवर्नर का कैसे काम करना होता है उनको न्यूट्रल होना होता है पर रीसेंट टाइम्स में कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है जैसे कि वेस्ट बंगाल केरला महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली को तो है ही है ठीक है वो तो फेमस है बहुत तो वो इश्यूज़ को बताइए वही उसकी स्क्रूटनी होगी और वही उसकी क्रिटिसिजम होगी फिर बताइए कि कंसर्न बेसिकली क्या है और कंसर्न नॉर्मली आती है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर ठीक है तो और वो जो गवर्नर की जो डिस्क्रिप्शनरी पावर्स होती है वो जो डिस्क्रिप्शनरी पावर्स होती है उस पर कोई लिमिट नहीं लगा रखा है इन अ वे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत क्लियर नहीं है वो कहते हैं अगर कोई इस पर कोई इश्यू आता है तो गवर्नर का से फाइनल होगा सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्ट किया इस बात के पीछे बट ये होगा तो आप इसको यहाँ बताइए पर ये डिस्कस लिखा है यहाँ पे तो इसके बाद आप थोड़ा सा वे फॉरवर्ड बता सकते हैं सेटिंग द लिमिट्स रेकमेंडे फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ डिफरेंट कमिटीज़ लाइक सरकारिया कमीशन कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी जो देख रहे थे द रूल ऑफ द गवर्नर द फेडरल एस्पेक्ट ठीक है तो सरकारिया कमीशन ने कहा था कि अ पोलिटिकल पर्सन होना चाहिए उनको स्टेट के बाहर से होना चाहिए तो ये पुनछी कमीशन है सरकारिया कमीशन है सेकेंड ईयर सरकारिया लेटेस्ट थी तो आप नाम लिख सकते हैं कमीशन का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बस बता दीजिए बेसिक फीचर्स सबके सेम ही है ओके ये मेरे पास कोई प्री के क्वेश्चन हैं आप आंसर इसका लिख सकते हैं सिंपल सा है जैसे आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन बता दीजिए ऑप्शन यहाँ पे लिख दीजिए सारे पास्ट ईयर के ही डाले हैं मैंने ठीक है तो टू ए ऑफिस आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं 50 इयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ठीक है तो ये गवर्नमेंट की याड है अब इसमें मैं दो चीज़ आपको बताऊंगा आप स्टेट पीसीएस के भी एग्ज़ाम देते होंगे और देने चाहिए ठीक है तो ये चीज़ें हैं ना आपके जो डिफरेंशिएटर होता है कि एक तो होता है आई का जो जनरल स्टडीज़ का तो जनरल सा हो जाता है थो थोड़ा सा पर आपको स्टेट स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज भी होनी चाहिए तो उस टाइम पे ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है इंटरवेंशन है आप देख सकते हैं आप अब कोई भी स्टेट में हो आप ठीक है अलग अलग पे होंगे आप सब तो आप उस पर अकॉर्डिंगली अपना फोकस कर सकते हैं अब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है फिफ्टी ईयर्स एक लैंडमार्क इवेंट है एंड नेचुरली एक प्रायरिटी बन जाती है कि ज़्यादा अटेंशन आता है इसके ऊपर ठीक है स्टेट हुड तो हर साल मिलता है हर साल जिस दिन स्टेट बना था पर ही फिफ्टी ईयर्स हुए है. अच्छा बाय द वे स्टेट हुड का हमने कल भी देखा था थोड़ा सा इट इज़ बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और लिंग्विस्टिक लाइन से हमने कर लिया था इसको एंड आर्टिकल 262 कुछ पावर्स देती है कि अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो विद, रिवर वाटर डिस्प्यूट के रेफरेंस में हमने इसको कल पढ़ा था अच्छा अब मैं बताता हूँ प्रम्स में कैसे कैसे एग्ज़ाम में आ सकती है चीज़ें एक बार आया था अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर ट्राइब्स के नाम दे रखे थे एंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ठीक है तो मिशमी ट्राइब था उसका तो आप ये जो मैप भी देखते हैं आप थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा उसके माउंटेन्स उसके वहाँ पे कौन सी कौन सी ट्राइब्स होती है बेसिकस आपको चाहिए इनफैक्ट ये मिशमी के चक्कर में मेरे को आज बहुत टाइम लग गया था ये सारे ट्राइब वाइब के मैप ढूंढने में नामडफ़ा सेंचुरी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और इसकी एक यूनिक चीज़ है ये प्रिलिम्स में आया था आई थिंक 2015 में ये टू फोर्टीन में आया था ये 15 में आया था तो नामडफ़ा सेंचुरी की खासियत ये है कि एक ये एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है हाँ और टुंड्रा टाइप के फ़ीचर्स भी आपको निकल निकल जाएंगे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है एक तो बारिश भी बहुत होती है वहाँ पर और ठंड भी बहुत पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर आपको दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं तो बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर तो फ्लोरा फ्लोराफोना दोनों मिलते हैं अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा निकल रही है ब्रह्मपुत्रा से एसोसिएटेड रिवर्स लेफ्ट लेफ्ट साइड राइट साइड राइट बैंक ये आपको पता होना चाहिए तवांग न्यूज में रहता है चाइना का इशू चल रहा है ठीक है ट्राइबल फेस्टिवल्स ये आप यहीं देख लीजिए ट्राइबल फेस्टिवल्स ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे ट्राइबल फेस्टिवल्स अपने आप हो जाते हैं एक बार एक डैम का प्रोजेक्ट था ठीक है डैम 2018 में इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया था अबाउट द इंडिजिनियस ट्राइब्स मिशमी ट्राइब तो डैम बना रहे हैं तो लोग डिस्प्लेस होंगे उससे ठीक है तो उसके लिए क्या मेजर्स लिए ले, ले जाने चाहिए तो इस पर पॉलिसी वाइज एक क्वेश्चन आया था केस स्टडी आई थी जीएस फोर में 2018 में पर वो इसी टॉपिक से आई थी और इसी साल शुरू में हुआ था और हर साल ये न्यूज में रहते हैं माउंटेन पासिस ठीक है passes, तो ये आठलस साल वाले सारी चीजें हैं दूसरी चीज है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के रेफरेंस में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप के भी एक फीचर्स है वहां पे तो एक अमर एक सॉरी नॉट अमर फेल्कुन ये आपका एक हॉर्नबिल टाइप के बर्ड्स है ये आप देख लीजिए इनके एक अलग सी इनकी बीक सी होती है ठीक है तो ये ग्रेट हॉर्नबिल इसको कहते हैं एंड दे आर जो इनके फेस्टिवल्स वगैरह में भी हॉर्नबिल का बहुत बड़ा रोल होता है आई डोंट नो आपने देखा हो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक बार कुछ पहना हुआ था नागालैंड गए थे तो ठीक है तो वो हॉर्नबिल फेस्टिवल से एसोसिएटेड है चाहे वो नागा हो चाहे कोई भी स्टेट हो ये हॉर्नबिल वाला देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको अच्छा हॉर्नबिल आपको केरला एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं बेसिकली सुधा रघुनाथन इज़ मेम्बर ऑफ सी ए बी सी तीन अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें आती है पहली बात तो सुधा रघुनाथन है कौन सी ए बी सी करता क्या है और सी बी सी ए बी सी का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर ठीक है तो ये है और इनकी एक अचीवमेंट के बारे में था तो इसको मैंने थोड़ा और देख लिया अच्छा तो सुगा सुधा रघुनाथन इज बेसिकली अ कर्नाटक वोकलिस्ट ठीक है हमारे जो क्लासिकल uh, म्यूजिक होता है एक तो हिंदुस्तानी स्टाइल है और एक जो नॉर्थ में है विच इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन स्टाइल एज वेल एज पर्शियन उसका फ्यूशन है हिंदुस्तानी और साउथ में आपका नो इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन वो कर्नाटक है ठीक है तो कर्नाटक वोकलिस्ट ही वॉइस पे ज़्यादा फोकस होता है वैसे भी वहां पे ओके और इनको मिला है कलाई मनी अवार्ड और ये क्या होता है ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु देती है एंड इट इज़ दी हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु दे सकता है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर आर्ट एंड कल्चर में उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अच्छा अब हमें पता लग गया चलो ठीक है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक बॉडी आती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर उसका काम क्या होगा वो मिनिस्ट्री के जो नेशनल मिशन है उसमें उनको एडवाइस करेंगे ठीक है तो उनको एडवाइस करेंगे आपको क्या करना है कैसे करना है प्रमोट कैसे करना है तो ये एडवाइस करेंगे बाय मींस ऑफ पार्टिसिपेटिव प्रोसेस ठीक है और भी मेंबर्स होंगे यहाँ पे तो पार्टिसिपेटिव कंसल्टेशन डेलिब्रेशन के आधार पे करेंगे तो उनके मिशन है कौन से कौन से नेशनल मिशन ऑन नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग तो ये कुछ मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के उस रेफरेंस में ठीक है तो इनको वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू नीड बेस्ड कल्चरल प्रोग्राम्स तो ये बेसिक इनका यहां पर काम है यह प्री के रेफरेंस में है बाकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की कौन सी स्कीम्स होती है जैसे कि प्रसाद स्कीम ठीक है वो सर्किट वाले जो है रामायण सर्किट बुद्ध सर्किट वो सब भी एक बार आप प्लीज इसको देख लेना कर्नाटका कांग्रेस मेकर पद यात्रा टू रिज्यूम ऑन फेब्री ट्वेंटी सेवन hmm. तो मेरे को इसी से मतलब है मेके धातु और आपको भी होना चाहिए मेके धातु के बारे में अनलेस यूर फ्रॉम बैगलोर सो मेके धातु क्या है कौन सी रिवर पे आधारित है और क्या बेसिक अंडरलाइन इशू यहाँ पे है ओके okay, तो बेसिकली ये कांग्रेस पार्टी है कर्नाटका में बीजे बीजेपी है या ऑपोजिशन में है तो ये लोग इन्होंने यात्रा करनी थी जनवरी में पर कोविड नाइन्टीन की वजह से लोग कर्नाटका में लॉकडाउन लग गया था तो ये डिमांड कर रहे हैं कि मेकेदातु तो वाटर प्रोजेक्ट एक डैम बना दिया जाए ताकि जो यहाँ के यहाँ सूखा है ठीक है कावरी बेसिन से एसोसिएटेड है तो यहां पे जो सूखा है और जो बैंगलोर सिटी में जो पानी की समस्या है वो पूरी हो सके डैम क्या करता है पानी को स्टोर करता है जब जरूरत है पानी को रिलीज करता है ठीक है तो सिटी के जो वाटर नीड्स है और जो नेबरिंग टाउन्स है उनको पानी सप्लाई किया जाए नरेंद्र मोदी फ्लैग्स ऑफ हंड्रेड किसान ड्रोन्स ठीक है किसान ड्रोन्स के बारे में है तो ये एक बार इसको देख लेते हैं किसान ड्रोन्स के बारे में तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं जो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स में हेल्प करेगा बाकी मैं बोल देता हूँ कि सर्वेलेंस वगैरह में प्रसिशन फार्मिंग के रेफरेंस में भी हेल्प करेगा ये हमारे बजट में भी मैंशन था कि उस ड्रोन्स के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए और एडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन करनी चाहिए ठीक है तो बजट में भी इसके बारे में बताया रखा था बाकी वो बोल रहे हैं देखिए ये जब ये ड्रोन का लॉन्च हुआ है कि देखो अच्छी पॉलिसीज अच्छे रिफॉर्म से कैसे कैसे बदलाव किया जा सकता है अब मेरे को दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे तो पहली बात है कि ड्रोन्स मैं सिर्फ किसान ड्रोन्स की बात नहीं कर रहा अभी सिर्फ ड्रोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज अ ड्रोन राइट तो ड्रोन्स की एप्लीकेशंस क्या हो सकती है ड्रोन्स की एप्लीकेशंस क्या हो सकती है और उससे कंसर्न्स भी क्या है तो एक ये चीज़ सोचने वाली है यहाँ पे ठीक है तो ये सर्विस डिलीवरी के लिए यूज़ हो सकता है मेडिसिन सप्लाई करने के लिए यूज़ हो सकता है स्पेशली इन रिमोट एरियाज़ ये तो आराम से उड़ के चले जाते हैं आप सोचो हेलीकॉप्टर वगैरह से करते हैं तो और कितना खर्चा आता है ठीक है तो एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स जो है उसमें ये हेल्प करेगा अभी आपको शायद याद हो लास्ट ईयर पठानकोट एक एयरफोर्स स्टेशन में एक बॉम्ब फटा था तो वो ड्रोन से बॉम्ब लगाया गया था वहाँ पे बाकी हॉलीवुड की कितनी सारी पिचरे हैं जहाँ पे वो दिखाते हैं कि ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं ठीक है तो इट कैन बी अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी कंसर्नस पब्लिक सेफ्टी पब्लिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी वो जो जेट और फाइटर प्लेन आई मीन नॉर्मल एयरक्राफ्ट भी जाते हैं अगर वो आ, उनसे कोल्यूशन होने का वो भी खतरा रहता है अब इसी के चलते मैं ये बोल रहे हैं रिफॉर्म्स लिए है गवर्नमेंट ने तो मेरे पास दो चीज़ें हैं तो वन इज़ द ड्रोन रूल्स 2021 यही बेसिकली गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म्स है पॉलिसी वही है ये ठीक है तो ड्रोन रूल्स बनाए गए थे यहाँ पे और ड्रोन रूल्स में ये भी बता रखा है ये पीआईबी का ही है कि सर्वेलेंस सिस्टम रेलवे में भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है फॉर सर्वेलेंस रिलेटेड एक्टिविटीज अच्छा अब ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इट इज ऑल्सो नोन एज सनराइज सेक्टर तो उसके लिए सनराइज मतलब इमर्जिंग सेक्टर तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ड्रोन ठीक है तो पीएलआई स्कीम्स जगह जगह पे इंप्लीमेंट लगाई जा रही है आजकल सेमीकंडक्टर्स के रेफरेंस में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सोलर uh, मैन्युफैक्चरिंग तो पीएलआई स्कीम उसमें है बेसिक आई थिंक आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का यहाँ पे बड़ा सिंपल है गवर्नमेंट एप्लीकेशन रेज करती है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज और उनको बोलती है उनको उनसे प्रपोजल्स मांगती है और अगर ये कंपनीज एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेल फिगर दिखा सके प्रोडक्शन एंड सेल्स फिगर तो उनको सीधा सीधा सब्सिडी दी जाती है नो कंडीशन अप्लाइड ठीक है तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो यहाँ पे जो इस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं नॉर्मली वही होती है तो वो उनको एक अश्योरेंस होती है कि हमको सब्सिडी मिलेगी प्रोवाइडेड हम इतने बेचते चीज़ें हमारी जो प्रोडक्शन करके उसको बेच भी दे ठीक है तो दैट इज़ वाई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और ऐसा माना जा रहा है कि जो कि ये इस्टैब्लिश्ड कंपनीज ऑलरेडी ठीक है ये इसको और अट्रैक्टिव बनाएंगी और ये कंपनी जब हमारे देश में आती है या फिर हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उससे और जॉब्स भी क्रिएट होंगी और जीडीपी इंक्रीज होगा टैक्स टैक्सेशन बढ़ेगा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा टैक्स बेस बढ़ेगा तो ये सब चीजें फर्स्ट बैच ऑफ एमएच सिक्सटी आर कॉप्टर्स टू अराइव बाय जुलाई तो ये हेलीकॉप्टर के रेफरेंस में है अब एम एच सिक्सटी आर इज विच ऑफ फॉलोइंग उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है तो ये हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर कौन सा आपका नेवी वाला हेलीकॉप्टर है ठीक है जानबूझ की फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको और वैसे भी मेरे को बहुत पसंद है एंड दिस इज अ मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ठीक है तो नेवी के साथ है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और ये हमने यूएसए से खरीदा है यूएसए के लॉकहीड मार्टिन कंपनी है जो एस सिक्सटीन फाइटर प्लेन बनाती है अच्छा अब ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का मतलब क्या होता है या मल्टी रोल कोई भी चीज़ है एक्चुअली मल्टी रोल का मतलब है कि ये बहुत सारे काम कर सकते हैं इस इसपे आप गन्स लगा के फायरिंग कर सकते हो इसमें आप लोगों को फेरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रूप्स को पैराशूट से ड्रॉप कर सकते हो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं ठीक है तो मल्टी रोल एक और एक हेलीकॉप्टर है हमने यूएस से लिया है आई थिंक बोइंग ने बनाया उसको अपाचे हेलीकॉप्टर उसमें सिर्फ दो पायलट ही बैठ सकते हैं और कुछ नहीं है सिर्फ गन्स लगी है तो वो मल्टी रोल नहीं है वो अटैक हेलीकॉप्टर है ठीक तो है, multi -role, है तो ये एक फर्क है मल्टी रोल मल्टीपल रोल्स वो कर सकते हैं तो ये हमारा मिड जुलाई तक आ जाएगा और हमारे जो एक्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर था फोर्टी 42, टू फोर्टी टू वे हेलीकॉप्टर्स वो डीकमिशन हो गए थे देयर वाज अ प्रॉब्लम कि भाई हेलीकॉप्टर नहीं है तो ये हमारा हेल्प करेगा तो इट विल हेल्प इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एनहस्ड सर्वेलेंस सर्वेलेंस में भी काम कर लेगा और अटैक भी कर सकते हैं इसे नाइट पॉलिनेटर्स हाउ हेल्प हिमालय एक चीज तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई इकोलॉजी इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज अपना अपना एक योगदान देता है ठीक है तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको हमें ध्यान देना चाहिए अच्छा तो यहाँ पे आज साइंस का है साइंस एंड टेक का संडे का दिन होता है ओपिनियन नहीं होता है तो उसमें हमें थोड़ा सा देख रहेगा ओके तो ये हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ये पॉलीनेट करने में हेल्प करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है नाइट पॉलीनेटर्स तो दीज आर नॉक्चरनल स्पीशीज नॉक्चरल नौक्षर्न, नॉक्चरनल मतलब जो रात को जागते हैं जैसे कि बैट्स वगैरह होते हैं वो रात को काम करते हैं आप मौत को वैसे भी याद कीजिए आप जब ये लाइट ऑन छोड़ देते हो गर्मियों के टाइम पर ठीक है तो वो सारे आ जाते कीड़े और मौत वगैरह आ जाते आपके रूम्स वगैरह में तो रात को ही आते दिन में बटरफ्लाई तो कभी नहीं देखी होगी आपने रात को ठीक है तो ये आपके नॉक्चरनल है और दिन में आपका द, द, दिन में जो जागते हैं उनको हम डाईरनल कहते हैं तो बेसिकली बटरफ्लाईज ठीक है तो ये मॉथ्स है एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोलिनेशन पॉलिनेशन क्या है एक तरह से प्लांट्स में ब्रीडिंग कैसे हो रही है उसके बारे में है तो ये मॉथ्स या बटरफ्लाइज होते हैं एक प्लांट में जाते हैं फिर दूसरे उसमें बैठते हैं फ्लावर के ऊपर फिर तीसरे में जाते हैं सो दे हेल्प इन हेल्प इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स ठीक है तो ये है अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मौत की स्पीशीज आ जाती है जो मेरे को लगता है प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो एरेपिड मौत ठीक है तो ये है हमारे पास ये मैंने कुछ हाईलाइट कर रखी है मुझे प्रनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है आप इनको प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा कि जगह पे हाईलाइट कर रखा है अच्छा अब ये जो व्यक्ति है जो ये रिसर्च हमें रिपोर्ट दे रहे यहाँ पे एक तो ये सिविल सोसाइटी ये आ, ये एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं फर्दर मोर द ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये चीज न्यूज में है और मेरे को लगता है कि जेड एस आई बहुत इंपॉर्टेंट है तो जेड एस आई की जो आप अगर इसका लोगो देखेंगे ठीक है एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिल्ली में नहीं बेस्ड है ये कोलकाता में बेस्ड है फिर इसका अगर आप लोगो देखेंगे उसमें मिथुन स्पीशीज, है, उसमें टाइप की स्पीशीज है. तो इन चीजों के बारे में सर्वे ऑफ इंडिया इन चीजों के बारे में भी आपको एडिशनल पता होना चाहिए अच्छा अब यहां पे बात कर रहे थे कि दिस इज एन एंथ्रोपॉड ठीक है तो ये एंथ्रोपॉड की यहाँ पे बात कर रखी थी तो मैंने यहाँ पे इसको डाला हुआ यहाँ पे ओके तो एंथ्रोपॉड इज़ बेसिकली क्लास ऑफ ये ना एक्चुअली रिसेंट जो हमारे दो तीन प्रुलम्स आए हैं उसमें इन चीज़ों के बारे में पूछा गया है एंड आपकी जो ट्वेल्थ की जो बायोलॉजिकल जो ट्वेल्थ की आपकी जो साइंस है उसमें बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है जो कहते हैं इंपॉर्टेंट है तो उसमें भी इनका रेफरेंस है ठीक है तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो बेसिकली एंथ्रोपॉड हो या फिर ह्यूमन्स वाला डाला है मैंने नहीं चलो जो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं स्पीशीज़ होती है तो जैसे एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम फिर उसको सब क्लासीफाई किया जाता है फाइलम ठीक है क्लास ऑर्डर फैमिली हम जैसे प्राइमेट्स में से है ठीक है बंदर वगैरह सब प्राइमेट्स में आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स फिर स्पीशीज़ और फाइन उसमें चले जाते हैं जैसे कि हम लोग होमोसेपियन सेपियंस है ठीक है बड़ा स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं ये है दूसरा वाला चिमपैंसी है दूसरा वाला ये है तो हम टैक्सोनॉमी हम कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं तो उनमें एक फाइलम आता है एनिमल किंगडम में जैसे प्लांट किंगडम हो गया एनिमल किंगडम हो गया तो उसमें फाइलम आता है एंथ्रोपोड तो एंथ्रोपोड मैंने देखा है आ जाती है चीज और मैंने थोड़ा सा आपके लिए और थोड़ा सा चीजें डाल दिया यहां पे ठीक है अलग अलग फाइलम्स के बारे में यहां पे तो यहां पे लिखा हुआ देखो बटरफ्लाई इज एन एंथ्रोपोडा तो मौत भी आपका एंथ्रोपोडा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस और एंथ्रोपोडा के बारे में बेसिक चीज ये है ये सारी स्पीशीज आप देखिए सारे एंथ्रोपोडा है तो एक तो इनमें एक एक्सोस्केलेटन एक होता है ठीक है एक्सोस्केलेटन हमारा एंडोस्केलेटन है ये एक्सोस्केलेटन मतलब बाहरी सरफेस थोड़ा सा हार्ड सा होता है यहाँ पे सो दे हैव जॉइंटेड लिम्स एंड क्यूटिकल मेड ऑफ चिटिन हार्ड सरफेस ऑफ इन मिनरलाइज विथ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है तो एक्सोस्केलेटन बेसिकली तो ये होता है सेगमेंटेड बॉडी होती है इसमें एंड जॉइंटेड लिम्स होती है ऐसा आप देख लीजिए जॉइंटेड लिम्स है यहाँ पे हर जगह ठीक है तो ये इनकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखी है बाकी आप देख लीजिए मोलस्का वगैरह है वो एंथ्रोपॉड नहीं है बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे स्टार फिश वगैरह अलग अलग है बेसिकली अगर आपको इतना सा भी पता है कौन से एंथ्रोपोड है आपका काम निकल जाएगा पुणे टेलीस्कोप हेल्प्स इन मेजर ब्रेक थ्रू तो यहाँ पे हम लोग फास्ट रेडियो बर्स के बारे में बात करने वाले हैं विद रेफरेंस टू पुणे टेलीस्कोप और ये कौन सा टेलीस्कोप है ये है आपका ये है आपका जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ठीक है तो जाइंट मीट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है जिसने फास्ट रेडियो बर्स को ढूंढा है जिन्होंने उसको रीड किया है तो पहली बार ये बहुत फास्ट रेडियो बर्स क्या होती है जब कोई बाहर बहुत दूर दूर यूनिवर्स के अंदर कोई चीज़ कोई एक्टिविटी होती है हमें पक्का पक्का नहीं पता है साइंटिस्ट को क्या होता है मे बी दो गैलेक्सीज या दो स्टार्स के बीच में टकराव हो गया कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसमें वी गेट फास्ट रेडियो बर्स्ट एक तो होता है रेडियो वेव ये ध्यान से देखिए इसको यहां पे ठीक है ये रेडियो वेव से नॉर्मल जा रही है आपकी जो ईसी मतलब आपकी जो नॉर्मल होती है ईसी जैसी ऐसे ऐसे जा रही है और एकदम से स्पाइक कर रही है फिर ऐसे एकदम से स्पाइक कर रही है तो ये है फास्ट रेडियो बर्स्ट ठीक है तो ये से बहुत सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है कैसे आ रही है हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता है पर नॉर्मली ब्लैक होल्स के रेफरेंस में हो सकता है जब वो ब्लैक होल मर्ज हो रहा है दोनों टकराव हो रहा है स्टार्स में टकराव हो रहा है तो तब ऐसी एनर्जी बन सकती है अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि क्या क्या बोलते हैं इसको फास्ट रेडियो बस्त तो बहुत छोटे टाइम्स के लिए मिली सेकेंड्स के लिए ये फास्ट रेडियो बस्त दिखाई देता है तो इसको रीड करना बहुत मुश्किल होता है एंड ऑब्वियसली ऑप्टिकल टेलीस्कोप देख के तो देखेगा नहीं रेडियो वेव्स आ रही है यहाँ पे ठीक है तो इसके लिए हमें एक अलग टाइप का अलग टाइप का हमें यहाँ पे रेडियो वेव वाला हमें टेलीस्कोप चाहिए ठीक है तो ये है आपका तो ये इसको रीड कर लेता है ये डिटेक्ट कर लेता है और इससे हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है जैसे कि जहाँ से ये फास्ट रेडियो बर्स्ट आई है वहाँ का हम लोग अभी ये लोग ट्राई कर रहे हैं अटोमिक हाइड्रोजन है गैस कितनी है कितनी पाई जाती है कितना क्वांटिटी है उसका वो उसको मैप करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो ये बेसिक चीज़ है यहाँ पे फास्ट रेडियो बर्स के बारे में आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एफ आर पी इज क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट और ये जो जॉइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है दिस इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव आई I मीन mean, यहाँ लिखा नहीं है डायरेक्टली पर मैंने वेबसाइट देखी है ठीक है तो इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो तो एस्ट्रोफिजिक्स तो एन सी आर ए एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन यू एस ए न्यू ऑब्जर्वेशंस हेल्प एक्सप्लेन द यूनिवर्स मोस्ट एनर्जिक ऑब्जेक्ट्स तो इसके बारे में है तो बेसिकली हम लोग ये एक गैलेक्सी है विच इज़ वेरी सिमिलर टू द मिल्की वे तो हम मेसियर 77 सेवन जो, जो उसका नाम है उसके बारे में बात कर रहे हैं अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेसियर सेवन क्या है स्टार है गैलेक्सी है उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो ये है अब इस गैलेक्सी के अंदर ये जो मिल्की वे गैलेक्सी जैसी है उसके जो गैलेक्सी के सेंटर में देर इज अपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी मेसियर सेवनटीन अब यह सुपर मैसि सुपर मैसि ब्लैक होल होता क्या है ब्लैक होल आप समझते हैं नॉर्मली ब्लैक होल क्या होता है तो यूनिवर्स में से बहुत कुछ चीजें हैं जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं बहुत डार्क है जैसे नाम ही है ब्लैक होल वो इतने डार्क है कि भाई वो इतने डार्क है या वो इतने डेंस है कि कोई भी चीज उससे स्केप नहीं कर सकती इवन लाइट तो अगर लाइट उसके स्केप नहीं कर सकती अगर लाइट जो जा रही है नॉर्मली हम जब जो तो चीज़ें देखते हैं वो इसलिए देखते हैं क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें पता लगता है हाँ भाई मेरे आगे लैपटॉप है मेरे आगे फोन है क्योंकि लाइट उसको रिफ्लेक्ट होकर फिर मेरी आंखों पर आ रही है पर अगर लाइट रेस जा रही है और वो ब्लैक होल क्योंकि इतना डेंस है कि जो भी चीज़ उसमें जा रही है वो उसमें घुस रही है तो अब्जॉर्व हो रही है तो दिखेगा ही नहीं कुछ तो इट इज़ वेरी डार्क तो हम बात कर रहे हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल ठीक है तो सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कौन सी ये टेलीस्कोप वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमारे पास यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का वेरी लार्ज टेलीस्कोप वेरी लार्ज टेलीस्कोप है हमारे पास विच इज बेस्ड इन चिलीज आटाकामा डेजर्ट ठीक है तो आटा डेजर्ट एरिया में थोड़ा सा साफ होता है आसमान क्लाउड्स वगैरह का नहीं होता है तो आराम से दिखता है तो आटा कामा डिजर्ट विच इज लोकेटेड इन चिली ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए राइट देन सो बेसिकली दिस इज इट हमारे पास आज इस हमारे जो न्यूज एनालिसिस में एक और एक चीज थी अबाउट ग्रेविटेशनल लेंसिंग आई कुड नॉट कवर तो आप थोड़ा देख ही सकते टाइम का थोड़ा इश्यू हो गया है तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग ग्रेविटेशनल वेव्स कभी नेक्स्ट टाइम आएगा हम उसको कवर कर लेंगे ठीक है बाकी ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में इफ़ यू वांट टू रीड मोर रीड गूगल दिस टर्म एलाइट जियो ठीक है लीगो इनिशिएटिव है इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस विद यू एस सो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा राइट देन सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड राइट बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट